वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मोहम्मद अंसारी, आप सभी लोगों का रोहित शेट्टी एंड रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर वन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, आज से हम रोड टू सर्कस अपने चैनल पर जो है शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली एडवांस बुकिंग जो है वो कल से शुरू हो गई थी, लेकिन उतनी एडवांस बुकिंग नहीं हुई जितना मैं एपिसोड बना सकूं। तो गाइस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 5 days टू गो फॉर सर्कस टू रिलीज इन सिनेमा हॉल्स। देखिए, सर्कस का सबसे बड़ा USP ये है कि सर्कस के आगे कॉम्पिटिशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। देयर इज एन एब्सोल्यूट क्लियर कट मैदान टिल द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, यानी कि पूरा का पूरा जो क्रिसमस वीक रहता है, जहां पर बड़ी बड़ी आइकॉनिक फिल्म जैसे कि 3 Idiots, गजनी, उसके बाद तुम्हारा PK, ये सारी फिल्मों ने रिकॉर्ड की फेयरलिस्ट में ऐसे ऐसे कलेक्शंस किए थे दिस वीक। इवन धूम 3, आमिर मामू की जितनी फिल्में हैं, इवन फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट सिम्बा, गुड न्यूज, ये एक ऐसा वीकेंड माना जाता है जहां पर फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है। एंड अगर आपकी फिल्म सोलो हो तब तो बाप लेवल कलेक्शंस जा सकते हैं। अगर इस सिनारियो में रणवीर सिंह की फिल्म ने कलेक्शन नहीं किया, देन गाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन बज वाइज, एक्साइटमेंट वाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट बज फॉर एनी रोहित शेट्टी फिल्म। इस फिल्म का बज ही नहीं है। टीम भागम दौड़ी कर रही है, इधर उधर जा रही है, अलग अलग रियलिटी टेलीविजन शोज पर जाकर अपनी फिल्मों को प्रमोट कर रही है, सिटी टूर्स कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं सिनेमाघरों में, लेकिन जनता के बीच में सर्कस का बस जीरो है। ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा आज के एपिसोड में कि आपके होश उड़ जाएंगे। आई थिंक ऑल द बेस्ट जो रोहित शेट्टी की फिल्म थी, उसके बाद अगर फिल्म के जो सबसे कम ओपनिंग लगेगी वो लगेगी नन अदर देन सर्कस की। देखो गाइस, सबसे पहले तो अवतार 2 इसके सर पर खड़ा हुआ है। पहले दिन 41, अभी दूसरे दिन शायद 46 करोड़ का कलेक्शन आएगा, तीसरे दिन 50, अगला हफ्ते अवतार की जो ऑडियंस है, जिन्होंने अवतार नहीं देखी, फर्स्ट वीक में वो जाकर इस फिल्म को देखेंगे। एस्पेशली गाइस जो इंग्लिश 3D वाली ऑडियंस है, अवतार 2 यहाँ पर सर्कस से भारी पड़ेगी। लेकिन सर्कस का कंटेंट अच्छा हुआ, रोहित शेट्टी ने अगर पब्लिक को 25-30% भी हंसा दिया, वो फिल्म निकल जाएगी। सामने कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हिंदी फिल्म्स के नाम पर कुछ भी नहीं। यस, थुनीवू है, वारिसू है, वॉल्टर वीरैया है, वो पालेया की पिक्चर, वो सब साउथ में है, वो भी 2 हफ्ते बाद, यानी कि रोहित शेट्टी के पास क्लीन रन है यहाँ पर। लेकिन डिस्पाइट दैट, अगर फिल्म फेल हुई ना, इट विल बी अ कम्प्लीट, बोलते ना डिजास्टर, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, इतना अच्छा खाली रन मिलने के बाद भी फिल्म ना चले तब उनको डिजास्टर कहा जाता है। लेकिन ऑल सर एंड डन, फिलहाल ओपनिंग तो ये फिल्म इतनी बड़ी लेते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। आज के एपिसोड में पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, इस ट्रेलर एपिसोड आपको ही पता है, मुझे भी पता है, मुझे भैया बहुत लोगों ने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया था। देखिए गाइस, मैं जब कुछ चीजें बोलता हूँ ना, तो यहाँ पर विद ऑल क्रेडिबिलिटी बोलता हूँ, मुझे कोई मजा नहीं आता चीजें कहने के लिए। पहले दिन जब मैंने आपको कहा कि इसका ट्रेलर जो है ऑलमोस्ट 44.85 मिलियन व्यूज इसने हासिल किए थे, सेकेंड हाइएस्ट ट्रेलर एवर फॉर एनी हिंदी फिल्म बना था। आज ये ट्रेलर जो रिलीज हुआ था वो 2 तारीख को रिलीज हुआ था। कौन सी तारीख को रिलीज हुआ था? 2 दिसंबर को, एंड आज 18 दिसंबर है। 16 दिन हो गए ट्रेलर रिलीज होके, एंड आज इसके व्यूज जो है ट्रेलर पे सिर्फ 53.5 है। पहले दिन 45, एंड उसके बाद 12 दिन के बाद अभी तक 53। दिस शोज के पहले दिन व्यूज में कितना बड़ा धांधली थी। एंड लाइक सुनोगे तो तुम लोग के होश उड़ जाएंगे, लाइक सिर्फ 5 लाख लाइक्स अभी तक। यानी कि ट्रेलर फिल्म का वर्क नहीं किया, पब्लिक को जरा पसंद नहीं आया, सिर्फ रोहित शेट्टी को ही उनकी पिक्चर का ट्रेलर जो है वो पसंद आया है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फिल्म, वो उन्होंने कह दिया है कि वो काफी कॉन्फिडेंट अपनी फिल्म को लेकर। तो रोहित शेट्टी अपने ही गमझे, कहते हैं ना गमझे में है, कि उनके हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जनता डिसाइड करती है सर कि फिल्म अच्छी बनी है नहीं बनी है। तो हर डायरेक्टर अपनी फिल्म को मास्टरपीस कहता है यहाँ पर। हाँ, और जो दूसरा गाना आया तो हदे पार कर दी है। सुन जरा नाम का जो गाना आया है यहाँ पर सर्कस का, पहले दिन उसको ऑलमोस्ट 17-18 मिलियन व्यूज मिले थे, अभी दूसरा दिन हो गया, DSP का गाना है। वो गाना कहाँ बज रहा है? वो गाना कौन सुन रहा है? एंड इतना तो मत करो कि यहाँ पर ऑब्वियस हो जाए, 24 मिलियन व्यू में 1 लाख लाइक्स। अरे यूट्यूबर्स आजकल 1-1 लाख लेकर जाते हैं लाइक्स यहाँ पर। हाँ, 24 मिलियन गाने पर कम से कम एटलीस्ट 7-8 लाख लाइक्स आने चाहिए, 1 लाख लाइक्स। इतना ऑब्वियस है कि ये जो यूनिट है इस पर व्यूज पंप किए गए यहाँ पर।
सिर्फ वो करंट लगा जो गाना है वो यहाँ पर अच्छा चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज गोइंग इन द फेवर ऑफ सर्कस. द बज फॉर सर्कस इज एन ऑल टाइम लो. एंड बात करेगा एडवांस बुकिंग की तो अभी फिलहाल अभी सुबह सुबह 27 लाख रुपीज की, यस फ्रेंड्स 27 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर सर्कस की हुई है. एंड टिकट सोल्ड आर 10,500 टिकटें बिकी है. 27 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. ये एपिसोड नंबर 1 है. लेट्स सी क्या इफ अच्छी एडवांस बुकिंग कर पाती है. नहीं, मुंबई में 222 शोज है, 7% ऑक्यूपेंसी है. दिल्ली एनसीआर में 300 शोज है, 8% ऑक्यूपेंसी है. पुणे में 87 शोज में 7% है. बेंगलुरु में 65 शोज में 9% है. हैदराबाद में 70 शोज में 21, वेरी गुड. कोलकाता 27 शोज में 4%. अहमदाबाद 64 शोज में 9%. चेन्नई में 30 शोज में 23%. सूरत में 27 शोज में 4%. जयपुर में 48 शोज में 20%. बात करो चंडीगढ़ 5, भोपाल 1, लखनऊ 4, कानपुर 2, नागपुर 3, वडोदरा 2, आगरा 2, नासिक 7, जबलपुर में खाता खुला नहीं है, जमशेदपुर में खाता खुला नहीं है, अमृतसर में 3% ऑक्यूपेंसी है, भुवनेश्वर में सिर्फ 2%. तो ये हाल है फिलहाल एडवांस बुकिंग का. तो पीपल हैव नॉट एट ऑल शोन इंटरेस्ट इन द एडवांस बुकिंग ऑफ सर्कस. दूसरा दिन है आज गाइस, इसलिए माय प्रेडिक्शन फॉर सर्कस ऑन इट्स फर्स्ट डे इज 8 से लेकर 9 करोड़ रुपए. सर्कस को 20 करोड़ की ओपनिंग कैसे भी लेनी चाहिए. एंड अभी से मार्केट में बस बना दी गई है. मैं जो कहता हूं ना उसको ध्यान से सुना करो, देखो मजा नहीं आता है सुनने में बोलने में. यहाँ पर बस क्या बनाई गई है, पैसा तो रिकवर हो गया, सर्कस हिट हो गई है. अरे डिजिटल सैटेलाइट ओवरसीज म्यूजिक राइट्स बेच के सर्कस ब्लॉकबस्टर है, तो क्यों आ रहे हो थिएटर में भाई. इसको भी ओटीटी पर रिलीज करो, जिस तरह से गोविंदा नाम मेरा को समोसाओं ने मिलकर ओटीटी का मास्टरपीस डिक्लेयर कर दिया, सर्कस को भी डिक्लेयर कर दो. क्यों थिएटर में रिलीज करो जब पिक्चर की रिकवरी हो गई है, क्यों रिलीज कर रहे हो. हाँ बस इस तरह से बनाया जाएगा कि अरे 50 करोड़ भी फिल्म कमा ली ना, पिक्चर ब्लॉकबस्टर है यहाँ पर. अरे इट्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर. थिएट्रिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर एक फिल्म को हिट एंड फ्लॉप डिसाइड करता है, उसका जो रेटिंग होती है. समझ में आया आप लोगों को. भले आपकी फिल्म यहाँ पे 50-60 करोड़ की बनी है लेकिन आपने अगर कमीशन बेसिस पर बेचा है या फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल किया है तो आपकी फिल्म उस पर हिट और फ्लॉप डिक्लेयर होती है, ना ही के डिजिटल और सैटेलाइट राइट पर डिक्लेयर होती है. मैंने पहले भी कहा है. एंड ये जितने आजकल विकीपीडिया गैंग आई है, एक नई गैंग घूम रही है, उसका नाम है विकीपीडिया गैंग. विकीपीडिया पे बजट इतना है, उसके ऊपर साइटेशन लिखा रहता है. एक 2 रुपए की वेबसाइट वो बजट कोट करती है अपने पेड आर्टिकल में, एंड वो पेड आर्टिकल को विकीपीडिया अपना साइटेशन में लिखता है. ऊपर देखो कभी क्लिक करके, थोड़ा दिमाग चलाया करो. हेलो बजट ये पिक्चर का, और किसने बजट डिसाइड किया है, वो वेबसाइट ने जिसको खुद प्रोडक्शन वालों ने पैसा दिया है. तो फिल्म अनाउंस होती है तो बजट क्या अनाउंस होता है. एंड जैसे जैसे फिल्म पिटती जाती है बॉक्स ऑफिस पे, विकीपीडिया तो उनके हाथ में प्रोडक्शन हाउस के, वो बजट चेंज करते जाते हैं. ये साल बहुत घपले हुए है. ये न्यू ईयर में एक स्पेशल एपिसोड बनने वाला है द स्कैम ऑफ 2022. उसमें बहुत सारी फिल्में हैं और अब जब बताऊंगा ना फिल्मों के बारे में, लोगों को मालूम भी है, लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं है वो कि लोगों को अनजान बनाए रखना. वो स्कैम 2022 एपिसोड इतना मजा आएगा तुम लोगों को ना. मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से बाहर से फिल्में यहाँ आती है, 8 थिएटर में लगी है, 1 करोड़ का कलेक्शन रिपोर्ट करता है प्रोड्यूसर यहाँ पर. उस एपिसोड मिस मत करना आप लोग, मैं उसकी प्रिपरेशन अभी से कर रहा हूँ. न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए. और ये आशा करते हैं सर्कस बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करे, अच्छी कलेक्शन करे. रोहित शेट्टी जाने जाते हैं अच्छी फिल्में बनाने के लिए. फिल्म अगर पब्लिक को हंसाएगी तो डेफिनेटली अच्छे बिजनेस करेगी और ये सब चीजों की उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर. ओके, आशा करते हैं रोहित शेट्टी की फिल्म एटलीस्ट 18 या 20 करोड़ की ओपनिंग ले, लेकिन वो यहाँ पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा. सो पसंद आया प्लीज यहाँ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. साइनिंग ऑफ यू वेरी सून टिल देन इज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.